आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी बोलती थोड़ी सी बंद हुई है, उसकी वजह ये देखें, इससे बढ़ के ईदी आप लोगों के लिए क्या हो सकती थी। नवेश, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज हैव अ सीट। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू हसन। मैं यूजुअली बड़ा इलेबोरेट, हाँ जहाँ आपका महवेश पूरा सेट आपके, आप चाहती तो मैं भी यहाँ पे बैठ जाती। हवा अच्छी आ रही है, मैं भी आ जाऊँ। यूजुअली मैं बड़ा एक इलेबोरेट सा अपना गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या मेरे से बात ही नहीं हो पा रही। स्पीचलेस हो गया। स्पीचलेस ऐसा होता है आपके साथ? बहुत दफा। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? आई थिंक यू आर अ बिट इंटिमिडेटेड एंड ओवरवेल्मड राइट नाउ, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट मी। बट ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ऐसा ना कहूँ। आपकी तारीफ में कुछ लफ्ज मैं कहना चाहूँगा। ख्वातीनो हज़रात, हमारे मुल्क के बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं, बहुत कम ऐसी अदाकाराएं हैं जिनमें वो अदा है जो हम ढूंढते हैं हमारे यस्टरियर मेगा स्टार्स के अंदर। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी अदाकारा ने जो कि ना सिर्फ इनसेनली हॉट हैं, इतनी हॉट हैं कि मुझे बाहर के टेम्परेचर का नहीं पता, यहाँ पे सबके पसीने छूट रहे हैं, और इसके साथ साथ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग, गिविंग अ वार्म वेलकम टू वन एंड द ओनली, द एक्सट्रीमली टैलेंटेड, द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल महवेश अय्यर। थैंक यू महवेश जी। ऑब्वियसली आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, और आपके इंस्टाग्राम पोस्ट हों, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज हों, यार रियल लाइफ में आपको बंदा देखे, यू लुक स्टनिंग यार, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है ये वजह दैट यू आर सो स्टनिंग? थैंक यू। आई गॉट इट फ्रॉम माय मामा। आई थिंक इट्स जीन्स, गुड जीन्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ यू नो गुड मेकअप हेल्प्स। बट आई मीन द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लाइक यू नो व्हेन यू वांट टू प्रेज समवन, आपस में दोस्त यार बात कर रहे हो तो बोले यार आज बड़े मैं भी शहाद लग रही है ना। ये होता है ना, आपने भी सुना होगा यार, आपस में दोस्त यार कह रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो दैट्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट यार। या अगर किसी को ये ताना मारना हो कि भाई बड़ा एटीट्यूड आ गया तुम्हारे में, बड़े नखरे हैं, इड्डी तू महवेश यार, अपने आप को महवेश यार था। यस, हाउ डू यू डील विद सो मच अटेंशन? ओह, इट्स ऑलवेज, इट फील्स ग्रेट हमेशा, मतलब आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स इज समथिंग के यू ऑलवेज फील गुड अबाउट इट, एंड व्हेन इट्स जेन्युइन तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। इट्स जस्ट लाइक, बट ब्यूटी इज फ्रॉम इनसाइड आई फील, एंड दैट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। And of course, beauty is inside, it reflects outside in your appearance as well. Talent and skill, you obviously, your craft, uski growth, uski improvement over the years, the roles that you're taking up now, the work that you're doing, again, commendable. उसके पीछे क्या थॉट है और वो क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या ग्रोथ का जो प्रोसेस है सारा? एक तो ये कि हमेशा से I've been selective, तो मैं वो ही स्क्रिप्ट करती हूँ जो मेरे दिल को छूता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं जिसमें बिलीव करती हूँ, आई वुड बी एबल टू परफॉर्म इन अ मोर बिलीवेबल वे, और जो लोगों के जाके दिलों पे दिलों में बस जाएगा। सो एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है कि आई ट्राई टू डू चैलेंजिंग रोल्स, तो जो भी चीज़, जो भी कैरेक्टर मुझे चैलेंज करता है, मैं फिर वही चूज़ करती हूँ और फिर उस पर अपना 100% 110% अपनी मेहनत और लगन से उसको करती हूँ, एंड देन आगे अल्लाह मियां जो है। बट आपके पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि आप अपने फैंस को डिप्राइव भी बहुत रखती हैं, इतना कम काम करती हैं आप। यस, एक तो 6 साल से मैंने कोई ड्रामा नहीं किया है, और मेरी जो टीवी की ऑडियंस है और फैंस हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं। सो मैं आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, अब देखें शायद साल के एंड में एक ड्रामा साइन करके एंड आई स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। बट फिल्म्स भी मैं साल में एक ही करती हूँ,
तो अच्छा काम ज़्यादा हो रहा होगा तो मैं ज़्यादा कर लूँगी, बट मसला ये है कि इतना अच्छा काम या इतना अच्छा कंटेंट या स्क्रिप्ट सामने नहीं आता. सो जो भी चीज़ अच्छी होती है मैं कहती हूँ यस, इवन इफ इट्स अ शॉर्ट फिल्म, इफ इट्स अ वेब सीरीज, इफ इट्स अ फिल्म और अ ड्रामा, मैं कहती हूँ ये मैंने करना है. और जिस फिल्म के सिलसिले में आज हमने आपको दावत दी है जिसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं. आई विल कम टू इट इन जस्ट अ मोमेंट, बट महविश योर जर्नी सो फार, If I were to ask you के इसको define करें एक sentence में या एक paragraph में, how would you describe it? Hard work pays off. I think that's what I believe. In our part of the world, there's also a lot of scrutiny and really intense scrutiny, borderline trolling. उसके साथ कैसे आप डील करती हैं? Borderline trolling, there's in the face trolling, useless trolling at times, but I think it's the world that we're living in now. Or trolling is trolling, and also criticism is part of our work. We are in the limelight, हम हमेशा सबकी नजरों में होते हैं. तो मैं appreciate करती हूँ constructive criticism को हमेशा, and I appreciate it, I welcome it. But at times there is just unnecessary trolling, or uspe main I don't really focus on that. Yeah, even main padhti bhi nahi hu. I have these blinders. You know, I just focus on my goal. That's it. Baki shor noise, I don't care about it. And the compliments and the tarif, I embrace them. I only carry them with me. Yeah. In your journey so far, what do you think is that one project that you're really proud of? That sort of that one milestone that you consider a milestone? It has to be Miss Marvel, for the biggest franchise in the world. Can we please give a huge round of applause to Mahvish for Miss Marvel in particular? And it was my first Hollywood venture, and it had aur bhi bahut sare hamare mashallah Pakistan se, Fawad and Samina Appa the, Nimra was there, Varda was there. So hamari ek to badi achhi representation hui for the first time on an international platform. और साथ साथ जो आयशा का कैरेक्टर था मेरा, तो वो जो सीरीज थी, दैट द होल सीरीज रिवॉल्व अराउंड माई कैरेक्टर. तो बिकॉज आई प्लेड कमालाज ग्रेट ग्रैंड मदर, तो ये नहीं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो बस ऐसा कोई गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल नहीं था. इट एक्चुअली वॉज सब्सटैंशियल एंड आई हैड सो मच टू डिलीवर, और मेरे पास एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ करने को था, विच आई डिड एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ इफ आई से सो. As I said my introduction as well, कि ना सिर्फ पाकिस्तान में आपने माशाल्लाह, क्योंकि इंटरनेशनली भी काम किया और पाकिस्तान की रिकग्निशन और रिप्रेजेंटेशन में आपका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है माशाल्लाह. मोर प्रेशर नाउ, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्चुअली आई वुड लाइक टू अनाउंस ऑन योर फोरम कि आई हैव ओपनड अप अ फिल्म कंपनी इन द UK विच इज़ कॉल्ड पिंक लामा फिल्म्स. एंड आपने देखा है कि मैं हमेशा मिस रिप्रेजेंटेशन पे बहुत बात करती हूँ, जो मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज इन पर्टिकुलर हमेशा हमें एक सर्टन स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया जाता है. सो आई डिसाइडेड कि ये इनिशिएटिव मुझे खुद लेना पड़ेगा, बिकॉज हम सिर्फ बैठ के कंप्लेन नहीं कर सकते, हम जब तक खुद से कुछ ना करें एंड वी डोंट गेट आवर हैंड्स डर्टी. सो द रीज़न फॉर ओपनिंग अप दैट फिल्म कंपनी वॉज दैट. और माशाल्लाह आई हैव अ ग्रेट स्लेट ऑफ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स एंड वर्किंग विद सम अमेजिंग सक्सेसफुल पीपल हु हैव वन BAFTA अवार्ड्स, Emmy अवार्ड्स एंड वॉट नॉट. सो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और हम इस तरह से जो है नैरेटिव को बिल्ड करने में हमें बड़ी हेल्प होगी. I can't not ask you more questions about that. NDAs. एक दो तो, so this is UK based your company, and are you going to be creating content internationally only? Internationally and for Pakistan. That the projects that would be universal, so they'll be for international market as well as for Pakistan. And are these films or TV shows? Films and series, web series as well. Interesting, yaar. So are you just producing or are you turning director as well? I am. As of now, acting and producing. Acting and producing. Well done. I mean, that's fantastic. यार हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे एक्टर्स के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको वो कितना सीरियसली ले रहे हैं, और जो पॉपुलैरिटी और जो रीच है उसका क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे महविश हयात को एज अ प्रोड्यूसर क्रिएटिंग इंटरनेशनल कॉन्टेंट, वर्किंग विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट. एब्सोल्युटली यस. एक्टर्स एज वेल. वेल डन महविश. महविश के लिए तालियां. ऑन दैट नोट महविश, विद योर परमिशन, क्योंकि ईद है और बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद पे एक नहीं आपके लिए ट्रीट भी उस हिसाब से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए. तो हमने सोचा कि महविश के साथ साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हम एक और
बड़ी ज़बरदस्त हमारी स्टार के साथ ड्रामों में आप उनको देख रहे हैं, आप उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ड्रामों को आप बड़ा पसंद करते हैं। अब आप उनको बड़े पर्दे में देखेंगे, एक फिल्म वो पहले कर चुकी हैं बट इस बार आप उनको एक बड़े मुख्तलिफ और बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनिंग रोल में देखेंगे। जानेंगे उनसे उस फिल्म के बारे में, उनके किरदार के बारे में और इधर उधर की भी कुछ गपशप लगाएंगे। महविश यहाँ पे बैठी हैं तो पूछेंगे, यार ये जो फिल्म आ रही है आपकी तेरी मेरी कहानियाँ, जिसमें तीन फिल्में, एक फिल्म की प्राइस में आप तीन फिल्में देख रहे हैं, उसमें कोई आपस में स्कर्मिशेस या हेल्दी कॉम्पिटिशन इस तरह का कोई सीन हुआ है या नहीं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग द एक्सट्रीमली टैलेंटेड द गॉर्जियस रमशा खान। वेलकम वेलकम वेलकम, प्लीज 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 हैव अ सीट। मुबारक, थैंक यू। I think I am the luckiest guy this Eid. Yes. मुझे इसको explain कर, आपका चेहरे पे थोड़ी सी है मतलब एक confusion के क्यों मैंने ऐसा बोला? हाँ जी, हाँ जी। नहीं मुझे तो समझ आता है कि I feel like even I am the luckiest woman here because I'm sitting next to Mahvish Hayat. Oh, just that you're sitting next to Mahvish Hayat. Ramsha, is that the only reason? Also because mashallah se I'm, you know, you're the host and I'm just so thank you Allah Mia. I was waiting for this. मैं बचपन से ही वेट कर रही थी कि भाई मैं हसन के शो में एग्जैक्टली एक शो हो जिसको हसन होस्ट कर रहा हो और जिसपे महविश आपके साथ बैठी, ये आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था। हाँ जी, जो अल्लाह मिया ने इस बड़ी ईद पे पूरा किया वैसे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी मेहनत करें और दुआएं करें, कोई पता नहीं आपकी कौन। हसद ना करें। हाँ हसद ना करें, मैं ना हसद ना करें, हसद तो बिल्कुल। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक। थैंक यू। और मेरे ख्याल में आप लोग को भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को, आपके फैंस को भी ईद मुबारक तो जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हो जाए फिर ईद मुबारक हो जाए फैंस को। आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। यार ये ईद पे माशाल्लाह, क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे एक तो खाने पे भी लोगों का हाथ जो है खुला ही होता है, लेकिन आप लोग एक स्पेशल ट्रीट लेके आ रहे हैं इस ईद पे, तेरी मेरी कहानियां। ओए होए होए, मैं इस फिल्म की खास बात आपको बताऊं, मैं ऐसा लग रहा है कि अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हूं तेरी मेरी, क्योंकि मैं हर जगह पे ये कह रहा हूं कि ये फिल्म है जहां पे आप एक टिकट की प्राइस में तीन फिल्में देखने जा रहे हैं, विच इज़ एक्सेलेंट। और उन तीन फिल्मों के अंदर आप अपने सारे जो फेवरेट आपके स्टार्स हैं, एक नहीं छः फेवरेट स्टार्स को एज लीड एक्टर्स देखने जा रहे हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट था और आप लोगों के पास कब आया और कब डिसाइड किया आप लोगों ने कि आपने करना है? ये बेसिकली सीमी आपा ने बनाई थी पहली वाली फिल्म जो कि नबील कुरैशी ने डायरेक्ट किया, जिन महल, जिसमें हिरामानी है, गुलेराना आपा है। और जब उन्होंने बनाई वो अच्छी बन गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसको सिनेमा में लगाते हैं, बट सिनेमा में शॉर्ट फिल्म अकेली तो लग नहीं सकती। तो फिर उन्होंने नदीम बेग से बात की, नदीम बेग ने जो है, उनके पास बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था 123वां, तो वहाँ से उन्होंने ये डिसाइड किया। फिर मरीना खान ऑन बोर्ड आई, फिर परसूड़ी का स्क्रिप्ट लिखा गया एंड देन दिस हैपेंड, एंथोलॉजी हैपेंड। सो जस्ट टू लेट यू नो, जो तीन फिल्में, उनमें एक फिल्म का नाम है पसूड़ी जिसमें रमशा और शहरियार हैं, एक फिल्म का नाम है 123वां जिसमें महविश और वहाज एंड देयर इज आल्सो जायद एंड आमना इलियास इन दैट फिल्म, और एक फिल्म का नाम है जिन महल जिसमें आप लोग देखेंगे हीरा मानी को। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जॉनर है, लेकिन उन तीनों फिल्मों को एक कम्बाइंड फिल्म की सूरत में आप लोग अपने सिनेमाज में जाके देख सकते हैं। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपकी जो फिल्म है पसूड़ी, इसका नाम बड़ा यूनिक है, पहले कभी नहीं सुना। ये क्या है, पसूड़ी का क्या मतलब होता है? पसूड़ी का मतलब होता है कि प्रॉब्लम, मसला, am I right? Yes. पसूड़ी पे आ गई है। पसूड़ी पे आ गई, exactly. तो बस जैसा टाइटल है वैसी ही कहानी है। तो मसला किसको है, आपको या शहरियार को फिल्म में? मसला तो खैर एक, ये आपको ये एक नाम नहीं बता सकती ना कि मुझे बता दोगे तो पसूड़ी खुल जाएगी। ट्रेलर में तो लग रहा है कि आपको है मसला। नहीं, मसला तो मेरा ही होता है, फिर वो आगे जाके वो शेयर होता रहता है। तो ये ऐसे इस किस्म की है पसूड़ी, और आई होप के खैर सबको अच्छी लगे तीनों फिल्में, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही डिफरेंट, एक हॉरर भी है तो साथ में एक टाइमलेस रोमांस भी है। शी लुक्स गॉर्जियस माशाल्लाह से उसमें, ऑनेस्टली शी लुक्स लाइक, यू नो, लाइक आई वुड से के थोड़ी सी मॉडर्न पारो, बट नॉट टू मॉडर्न, वेरी ब्यूटीफुल। एंड फिर पसूड़ी,
It's like a rom-com and thodi si filmy bhi hai, usme dance bhi hai. It's like a typical Eid film. जैसे हम Eid पे देखते हैं, full on पैसा वसूल, शादी हो रही है, शादी का गाना है, बड़ा rom-com, comic element भी है. बिल्कुल. आप लोगों पे ज़्यादा pressure है कि बाकी तो चले वो थोड़ी सी महविश वाली थोड़ी ऑफ बीट है. आप एक होता ना कि व्यूअर्स को लेके आना है सिनेमा तक, वो वाली आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको लगता है? मुझे आई फील लाइक हम सब पे है इफ यू थिंक अबाउट इट. लेकिन मुझे कोई मतलब आई एम नॉट एंग्शियस अबाउट इट बिकॉज मुझे पता है कि ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोगों को अच्छी लगेगी. बिकॉज तीन फिल्म है, अगर एक फिल्म नहीं अच्छी लगी दोनों अच्छी लग जाएंगी, बाकी तो या दो अच्छी नहीं लगी एक अच्छी लगी. ऑप्शंस बहुत है. तो पहले वाली कौन सी, ये हम रिवील कर सकते हैं कि पहले लोग कौन सी देखेंगे, फिर कौन सी आएगी, फिर इंटरवल के बाद कौन सी है? ये तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. बट और इज दैट लाइक अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज कि यार के, और हर एक का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यू नो लाइक दैट नेटफ्लिक्स सीरीज, एवरी टाइम यू गो टू द सिनेमा कोई फिल्म पहले चल रही है, कोई बीच में चल रही है, कोई एंड में चल रही है. हो भी सकता है. बट आई थिंक जिन महल इज फर्स्ट. या है ना, आई थिंक जैसे ट्रेलर में जिस तरह प्लेस किया है ना उसी तरह है, उसी तरह होगा. योर्स इज मोर पोएटिक, लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसा लगता है देख के बड़ा इसमें डीप फलसफा है. बिल्कुल फलसफा है. और खलील साहब का स्क्रिप्ट है तो आप समझ जाएं किस नौयत का फलसफा है. आई थिंक इट, इसमें मैं ज्यादा रिवील तो नहीं कर सकती हूँ कि देन द स्टोरी विल बी आउट देयर. बट एक तो आपको नजर आता है कि मैं शादीशुदा हूँ और दिखाते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ. आई मीट अ टोटल स्ट्रेंजर ड्यूरिंग माई जर्नी एंड वाइल आई एम सेइंग कि वो बड़ा पजेसिव है, ये है, वो है, He's cheating behind my back. तो एक societal issue है और जिस तरह married life में अक्सर लोगों को इस तरह की loyalty का issue या you know extramarital affairs, तो इस तरह की चीज़ को बड़े फ़लसफ़े के साथ, बड़े poetic तरीके से और ख़ूबसूरत dialogues के साथ लिखा गया है और हमने उसको deliver किया है. नदीम बेग की direction है, तो वो तो बड़ा ख़ूबसूरती से इस तरह के मुश्किल subjects को ना shoot करते हैं और बनाते हैं. तो गुड थिंग इज के इट्स अ जर्नी एंड कोई बहुत शोर शराबा इधर उधर कुछ नहीं है. इट्स जस्ट टू कैरेक्टर्स एंड देयर जर्नी एंड देयर कॉन्वर्सेशन. सो ये बड़ी एक डेप्थ वाली कहानी है, बड़ी मीनिंगफुल कहानी है एंड आई थिंक ऑडियंसेस, मैच्योर ऑडियंसेस विल लव इट मोर. एज एन एक्टर हुज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस, इफ आई वर टू आस्क यू एज अ पर्सन, अगर आपकी सोच में एक इंसान को एट द सेम टाइम दो लोगों से प्यार हो सकता है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? गुड क्वेश्चन. आई थिंक एक शेर भी था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट किसी की मोहब्बत आखिरी नहीं होती, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर वही सब कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से. आई बिलीव कि जब आप शादी करते हैं इसका मतलब नो लेफ्ट नो राइट, इट्स ओनली दैट पर्सन. एंड आई थिंक पंजाब नहीं जाऊँगी में यही हमने मैसेज दिया था, तो आई स्टिक बाय इट. ठीक है. देयर इज नो रमशा, डू यू एग्री? आई डू. But people can fall in love at any time. तो मोहब्बत तो हो जाती है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे भागना शुरू कर दें. मेरा सवाल ये नहीं था कि भागे या नहीं, मेरा ये सवाल था कि आपको मोहब्बत हो सकती है दो लोगों से? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन then comes loyalty कि how real your love is and बाकी चीजें जो है वो मैटर करती है नहीं करती, क्योंकि दिल तो बच्चा है और वो कभी भी कहीं पे भी लुढ़क सकता है. बट दिल के बाद दिमाग भी तो है ना, जिसको इस्तेमाल करने की जरूरत है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. यू एग्री रमशा? नो, आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव दैट अ पर्सन कैन फॉल इन लव विद टू पीपल एट द सेम टाइम. या आई फील लाइक अगर ऐसी नौयत है तो फिर पहले इंसान के साथ जो प्यार है वो खत्म हो चुका है, तभी you know it's possible. But I don't believe in that. I feel like I think प्यार नहीं होता, attraction होता है. Attraction, yeah, like हाँ, infatuation. Infatuation का आप कुछ भी कह दें, but yeah, this is what I believe. और but yeah. शायद ही उन लोगों के साथ होता जिनका दिल बच्चा नहीं है. हाँ, है ना? हर एक का दिल बच्चा नहीं होता ना. हाँ, कुछ कुछ लोग इसलिए कहते हैं ना, पार्टनर को बड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए. Exactly. अच्छा रमशा, when you're part of a project where we've got stars like Mehvish as well, बड़ा तजर्बा है, internationally भी बड़ा काम किया है, how do you draw inspiration from someone like Mehvish? Man, she's like, मैंने तो सोचा हुआ था when you know I started acting and everything, like I've seen her films and I was like, if I want to dance, if I want to act in films, I want to be
like her, you know. So it's just, again, like, you know, it's overwhelming. And someday I would want to work with her, like, ek saath, you know. Because isme scenes nahi hai aap logon ke saath. Scenes nahi hai. Koi connection nahi hai teeno kahani ki ek saath aapas mein. So yeah, I'm happy. I'm proud of myself. Thank you. And maybe the fact that you're so vocal about so many things. Kya zimmedari aati hai artists who've been working earlier, pehle se, ki wo jo younger lot aa rahi hai, usko kis tarah se wo confidence dein ya encouragement dein that you guys have it in you and we're there to support you. Nahin, I've always been very supportive. Jo bhi talent naya aata hai, kyunki because hamare yahan itna lack hai. टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है लेकिन उनको वो एक्सपोजर उस तरह नहीं मिलता या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया के आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड. आपको लोग फ़ौरन पहचानने लगते हैं, आपके लिए लोगों की फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है. लाइक टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल, कितने बड़े वो स्टार्स हैं अपनी राइट में बिकॉज दे हैव फॉलोअर्स. बट द ओनली थिंग आई वुड से कि जो ज़रूरी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस एंड प्रोफेशनलिज्म. तो कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं, उनको एक्सपोजर भी मिल जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ नेम एंड रेप्यूटेशन, अदरवाइज देन इट्स ओनली अ वन हिट वंडर. अच्छा, एक जो बड़ा, मुझे शायद आप भी एग्री करें, आर्केइक सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे हाँ भी या इंटरनेशनली भी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस कांट गेट अलॉन्ग. Whereas I see you guys, मतलब माशाल्लाह off screen also, it's not like आप लोग यहाँ पे आए और आपकी कोई आपस में, you know, you praise her, oh you're looking lovely, you praise her, oh my God you're looking stunning and all of that. And I see that often with you as well, with other actresses and you as well, आपकी सबकी दोस्ती आपस में. तो ये क्या genuine एक जो unity है हमारी इंडस्ट्री में, ये ज़्यादा हो गई है? पहले होती थी लड़ाइयाँ, अगर होती थी तो क्यों होती थी, अब क्यों नहीं होती, क्या सीन है ये? आई थिंक पहले के ज़माने का माइंड सेट थोड़ा पहले के एक्टर्स का कुछ डिफरेंट था. एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, दे हैव ऑल बीन वेरी सिक्योर एंड दे आर वेरी लाइक ईजी अबाउट इट, कि कोई जेलेसी है वो नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज दे आर नॉट इनसिक्योर्ड. सो ये चीज़ें शायद वहीं से स्टेम करती हैं, जेलेसी से या इनसिक्योरिटी से. लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है सो फार, इट्स बीन वंडरफुल. रमशा, ये सवाल मुझसे सिनफे हान के टाइम पे बहुत लोगों ने पूछा है कि इतने पांच, इतनी छह लड़कियां और जेनवन ने लड़ाई हुई सिनफे हान के सेट पे? नहीं हुई कोई लड़ाई नहीं हुई. मैविश, आपको क्या लगता है, एक सेट पे देयर सज्जल, देयर यमुना, देयर रमशा, देयर कुबरा, दनानीर एंड सायरा, एंड यू थिंक लड़ाइयां नहीं हुई होंगी सेट पे? मुझे जहां तक पता चला है नहीं हुई है. बाकी में नहीं, because obviously you know the entire team. Yes, of course. So I was getting all the updates and no, nothing. In fact, इन लोगों की इतनी दोस्ती थी कि मैंने कहा यार ये तो कमाल है, it's such a great example they are setting. We had each other's backs. मतलब अगर कुछ किसी से ऊंच नीच हो जाती है तो मतलब हम लोग एक दूसरे को बैकअप करते थे. तो ये चीज़ मैंने, और मेरे भी एक्सपीरियंस जितना है छोटा सा इंडस्ट्री में, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी एक्ट्रेस और इवन एक्टर जो इनसिक्योर हो या जिनसे ना बनी हो. आई थिंक एवरीबडी इज सिक्योर इन देयर यू नो रिस्पेक्टिव जर्नी और करियर, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. या एंड आई बिलीव ऑल द सिनफे हान गर्ल्स हैव आल्सो बीन इन टच आफ्टर द ड्रामा. यू गाइस आर स्टिल फ्रेंड्स एंड यू गाइस आर इन टच. या मतलब जहाँ होता है तो मेरी यमुना से बहुत बात है, कुबरा के साथ मैंने भी ड्रामा किया है, लेकिन आई डोंट गो आउट वैसे, देयर मोर इन टच. बट ये सच नहीं है कि एक्ट्रेस की नहीं बनती. ठीक है भाई, ईद का दिन है और अगर आपके भी आपस में फैमिली में किसी के साथ फड्डे हैं यार, बहन भाइयों के या अम्मा अब्बा के साथ या किसी के साथ, जाएं उन्हें गले लगाएं, कोई गोश्त वोश खाएं, कोई साथ में मिठाई लेके जाएं और हैप्पी रहें. दैट्स द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी. वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का. हम लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं तो वैसे नहीं कहीं जा रहा. हैव विद मी महवेश यादव, रमशा खान. सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. Welcome back, ladies and gentlemen. We have with us Mehvish Hayat and Ramsha Khan. यार मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को confusion है कि ये पसूड़ी, 123वां, जिन महल, ये अलग अलग फिल्में हैं. तो I just want you guys to please tell them कि ये एक ही फिल्म के अंदर तीन फिल्में हैं. तो please थोड़ी सी clarity दे दें. बेसिकली जो तीनों फिल्में हैं एक एंथोलॉजी है, और इनका नाम जो रखा गया है
पूरी फिल्म का वो है तेरी मेरी कहानियाँ, और उन तेरी मेरी कहानियाँ उस फिल्म में तीन अलग अलग कहानियाँ हैं। तो बेसिकली जब आप सिनेमा जाएंगे तो आप तीन फिल्में देखेंगे एक साथ, एंड कोई कनेक्शन नहीं है आपस में उन स्टोरीज़ का। तीन अलग मुख्तलिफ कहानियाँ हैं और तीनों एक साथ आप देख सकेंगे इन द सिनेमा एक टिकट पे। तो ये एक किताब है जिसके अंदर तीन अलग अलग आप चैप्टर्स कह लें, चैप्टर्स की सूरत में। क्या यार, क्या ब्यूटीफुल यार, क्या एग्जाम्पल। देखें, एक किताब है उसके अंदर तीन कहानियां और उनके अपने अपने चैप्टर्स के नाम है, बट जो किताब है उसका नाम है तेरी मेरी कहानियां। आप लोग जब सिनेमा जाएंगे तो आपको एक ही टिकट खरीदना है और उसी एक ही टिकट की प्राइस में आप ये तीनों कहानियां देख सकते हैं। आपकी फिल्म का म्यूजिक बड़ा जबरदस्त है, आपने जो गाने पे परफॉर्म किया, टेल अस अबाउट द मूव्स। वेरी डिफिकल्ट मूव्स। और डू यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू डांस? ओ या, आई डू बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस ना, दिस इज लाइक माय सेकंड फिल्म आफ्टर 6 इयर्स। तो फर्स्ट में भी जो जब किया था तो उसमें कोई डांस वांस कुछ नहीं था। सो आई एम वेरी न्यू टू दिस, यू नो, लाइक अभी जैसे मैंने बताया, लाइक आई वॉच्ड हर, यू नो, लाइक डांस एंड परफॉर्मेंस, लाइक यार ये चीज़ दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, आसान लगती है, करने में इट्स सो डिफिकल्ट। सो उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई, थोड़ा मैंने की है, हम तो में भी मैंने छोटा सा किया था ये वो, लेकिन आई लव्ड इट बिकॉज एट फर्स्ट मुझे डर रही थी कि इतनी ज़्यादा मुश्किल मूव्स मैं कैसे करूँगी, बट जब हो गया निगर जी ही इज द कोरियोग्राफर एंड ही इज़ अ जीनियस। जैसे वो सिखाते हैं और जैसे कि अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा तो कहते हैं चलो उसको इजी कर लेते हैं, इज वेरी इजी गोइंग एंड इज अ जीनियस। सो आई लव्ड इट, आई फेल इन लव विद द प्रोसेस एज़ वेल। यू नो हु इज अ फैंटास्टिक डांसर? शहरयार एंड महविश। आई वाज होपिंग दैट यू जस्ट से महविश यार, बट ऑफ कोर्स शहरयार इज आल्सो अ ग्रेट डांसर। महविश, द वे दैट यू डांस एंड व्हेन यू परफॉर्म, इट्स नॉट लाइक यू जस्ट, इट्स जस्ट योर बॉडी दैट्स मूविंग, इट्स ऑल द फेशियल एक्सप्रेशंस। एंड हम लोग अभी एक हमारा टॉक शो का स्पेल कर रहे हैं लाहौर में। अभी हम ब्रेक पे कराची आए हुए हैं और ईद के बाद इंशाल्लाह वापस लाहौर वाले हमारे एपिसोड देखेंगे। सो आई मेट रेशम जी एंड रैम्बो साहब और साहिबा जी आए, ईमान अली आई, तो मैंने देखा कि यार दिस इज अ सर्टन अदा दैट दे स्टिल हैव, और जैसे ही म्यूजिक बजता है उनके अंदर पता नहीं क्या अंग नाच रहा होता है, एक चीज आती है एंड लाइक यू नो Instantly they're in that zone, and बल्कि वो हमारा एपिसोड चला भी, लोगों ने बड़ा पसंद किया। हमने रैम्बो और साहिबा का एक पुराना गाना बजाया एंड विद इन लाइक अ स्प्लिट सेकेंड दे वर इन दैट इन दोज कैरेक्टर्स एंड देयर फेस एंड लाइक यू नो देयर एक्सप्रेशन इज वंडरफुल एंड यू नो हु एल्स कैन डू इट हु महविश यार। I was gonna say कि हम लोग अभी लाहौर की प्रमोशंस में गए थे तो वहाँ पे इनका गाना उन्होंने प्ले किया, मुंडे लाहौर दे, मुंडे लाहौर। अच्छा मैन, मतलब हालांकि शी वाजंट लाइक ऑब्वियसली आप यू नो शी वाज थोड़ा सा मूवी की, लेकिन उसमें भी अदा एंड यू नो द वे लाइक मैं आपको अभी बता यार, कैन वी प्ले रमशा सॉन्ग फ्रॉम तेरी मेरी कहानियां प्लीज? वन प्लीज थोड़ा सा आ जा। अब आपने मैं सर नहीं पता, हां वी लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट।
बात है ना। I love this song. It's actually a beautiful song. I love, you know what song I love? Yeah. 123वां का जो song है। Yeah, जो शिजा ने किया। जी, I love it. That's my favorite. It's got such a fantastic tune. Oh, it's very melodious. और unfortunately अभी वो release नहीं हुआ है। So, तो रिलीज नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं गा भी बहुत अच्छा सकती हूँ माइक। ओह यस भाई, माइक माइक मुझे तो गाना नहीं आता। मैंने सुना ही नहीं है। है अभी तक मैंने पूरा थोड़ी सुना है। नहीं सुना, उतना ही सुना है जो ट्रेलर दो लाइनें तो महविश मुझे आता ही नहीं है। नहीं आता वाकई में? कसम से, वरना गा लेती। हाँ चले कोई नहीं, माइक दे दे, थोड़ी देर बाद कोई और हम गाना सुन लेंगे महविश से। ये जो एक्सपीरियंस था इस फिल्म को बनाने का, आपने बोला कि शुरू में इट वॉज मेंट टू बी लाइक अ शॉर्ट फिल्म, बट वो बाद में इतनी अच्छी हो गई कि डिसाइड किया गया कि जी हम इसको सिनेमा पे चलाएंगे। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन लाइक बिग बजट, फुल थ्रॉटल, लाइक यू नो मसाला, प्रॉपर फीचर फिल्म। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस फॉर्मेट? हाँ, एक तो जैसे फीचर फिल्म होती है उसमें क्लासिक 3 एक्ट होता है, जिसमें आपके पास इतना मार्जिन होता है कि स्टोरी और स्टोरी आर्क और कैरेक्टर्स की को इन डेप्थ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन विद सीरीज लोग बड़े यूज टू हैं कि वो एक डोजेज में उनको पूरा प्रॉपर हर चीज़ मिलती है और इन लेंथ। सो दिस इज़ ऑल कंडेंस्ड इन 40 मिनट्स। और मुझे ज़्यादा मज़ा इसमें इसलिए आया क्योंकि एक तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था शॉर्ट का, और ये कहानी में बहुत कुछ बिखरा हुआ नहीं था। इट वॉज़ जस्ट वन सेट और वन आउटडोर शूट का सेट, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज एट वन प्लेस। तो और फिर खलील साहब के डायलॉग्स और वो जो कॉन्वर्सेशन है और केमिस्ट्री है, तो इट वॉज़ अ जर्नी एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज़ अ जर्नी, अ वंडरफुल जर्नी एज एन आर्टिस्ट। और मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि जब मुझे नदीम ने स्टोरी सुनाई और स्क्रिप्ट नैरेट किया, मैंने कहा ये तो मैंने करना है। एंड एज एन आर्टिस्ट इज माई ड्रीम टू डू मोर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे परफॉर्मेंस पे, डायलॉग्स पे ज़्यादा फोकस हो और इधर उधर का कुछ ज़्यादा ना हो। सो इट्स वन ऑफ रमशा फॉर यू लाइक वाज दैट इज इट अ रिमार्केबली डिफरेंस डिफरेंट प्रोसेस वर्किंग ऑन अ फिल्म लाइक दिस कंपेयर्ड टू टेलीविजन? एक फिल्म आपने पहले भी की है। जी, तो आई कांट रियली आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज हमारी तो शूट 6 दिन की थी, बट उस 6 दिन में भी इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। मतलब एंड इट्स मोर, आई थिंक ड्रामों में इतनी डिटेल में शूट नहीं होती है, फिल्म में होती है, तो इट्स डेफिनेटली डिफरेंस तो है। डिफरेंस है, अब देखते हैं बड़े पर्दे पे वो डिफरेंस कितना निखर के सामने आता है। बड़ी एंटिसिपेशंस आर हाई एंड पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ईद के ऊपर रिलीज हो रही है तेरी मेरी कहानियां, हो चुकी होगी। अगर आप लोग ने अभी तक टिकट नहीं खरीदा, जरूर खरीदें, खुद भी जाएं, फैमिली को भी लेके जाएं, दोस्तों को भी लेके जाएं। इट्स अ थॉरो एंटरटेनर और इट लुक्स लाइक अ थॉरो एंटरटेनर। होपफुली आपका पैसा अच्छी तरह से वसूल होगा। एक फिल्म नहीं है, 3 फिल्में बार बार बता रहे हैं, तो एक तो आपको अच्छी लग ही जाएगी, पर उम्मीद है कि तीनों होपफुली इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है बड़ा मजे का, उसमें जेंगा खेली है कभी आपने? आपने खेली है? मैंने नहीं खेली। बड़ी सिंपल गेम है, रमशा आपको बता देंगी कैसे खेलना है, क्योंकि खेलेंगे आप दोनों और मैं आपसे कुछ सिचुएशनल सवाल पूछूंगा जो आपके कॉलीग से रिलेटेड है। तो आपने बताना है कि उनके पर्सपेक्टिव से आपने जवाब देना कि क्या होगा। ठीक है चलो स्टार्ट प्लेइंग। फर्स्ट पहला सवाल रमशा आपसे, अगर ये एक्टर्स आपके कोस्टार्स शूट पे लेट पहुंचेंगे तो ये क्या बहाना बनाएंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे? नंबर 1 अफान वहीद। अफान खेलते रहना। आई थिंक वो ये कहेंगे, मैं बहुत बुरी हूँ उसमें। वो कहेंगे कि मैं फजर के बाद बहुत लेट सोया, सॉरी। शहरयार मुनव्वर। शहरयार कहेंगे कि मुझे अपनी फिल्म के मैं अपनी फिल्म के एडिट पे था। आहद रजा मीर। वो कहेंगे कि मैं अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की मीटिंग में था। और बिलाल अब्बास खान। वो कहेंगे यार बिलाल के साथ काम किए हुए बहुत अरसा हो गया, बाब के मैं खाना खा रहा था। अच्छा महविश, ये जो आपके कोस्टार्स हैं, कॉलीग्स हैं सेट के ऊपर, अगर इनको बहुत जोर की भूख लगी है तो ये क्या ऑर्डर करेंगे? हुमायूं सईद। देसी खाना, बिरयानी, कबाब्स एंड नान, रोटी टाइप्स। ठीक है। फहद मुस्तफा।
अगेन फहद भी इज अ देसी एट हार्ट एंड ही लव्स टू ईट देसी फूड, लेकिन वो हलीम बहुत शौक से खाते हैं तो वो हलीम खाएंगे. ठीक है. वहाज अली. वहाज अली इज ऑल्सो लाइक मी. Anything that's और उनकी एक चीज मैंने notice की shoot पे कि वो सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा चखते हैं. You know, foodie likes to eat everything. हाँ. और अदनान सिद्दीकी. अदनान सिद्दीकी I think थोड़ा dieting पे जोर देते हैं तो I don't know, I just messed it up. No, it's okay. So Adnan will eat something healthy, I guess. ठीक है. रमशा योर टर्न. आप इन एक्टर्स, ये जो फॉलोइंग एक्टर्स हैं किसी वजह से ट्रोल हो रहे हैं और बहुत सख्त तनकीद इनके ऊपर की जा रही है, आपको क्या लगता है ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? फैसल कुरैशी. वो आई थिंक स्टोरी पे एक एक्सप्लेनेशन पोस्ट कर देंगे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो. ठीक है. यासिर हुसैन. वो भी ये करेंगे एक्चुअली, बल्कि वो हाँ वो भी ये करेंगे, वो भी स्टोरी पे पोस्ट करेंगे या यू नो. आई थिंक फर्क होगा, फैसल कुरैशी शायद वीडियो एक मैसेज शेयर करें और यासिर जो है वो एक स्टोरी पोस्ट. जी एक्चुअली फैसल भाई वीडियो मैसेज करेंगे और वीडियो पे वो अपोलोजाइज या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे और यासिर टेक्स्ट स्टोरी. उष्णा शाह क्या करेंगी? ऑनेस्टली मतलब उष्णा या तो इग्नोर करेंगी या तो फिर वो ऑब्वियसली आपकी ये जो दोस्तें हैं ये जब किसी इवेंट पे अगर चली गई और बड़ा तैयार शहर जहाँ पे ये लोग चले गए हैं और वहाँ पे कोई साहब इनसे अगर इनका नंबर मांग ले तो हाउ डू थिंक दे विल रिएक्ट? माहिरा खान. They'll tell them that no, you can't have my number. है ना? Simple. सबा कमर. सबा कमर कहे तो कहेंगी के really? Seriously? कुबरा खान. कुबरा कहेंगी क्या दिमाग खराब हो गया आपका? What the hell? What are you talking about? Talk to my manager. And आयशा खान. आयशा मुस्कुरा के कहेंगी कि आप यू कांट हैव माय नंबर. अच्छा पांचवा जो सवाल है वो मैं दोनों से आपके जो तेरी मेरी कहानियां के कोस्टार्स हैं उससे रिलेटेड पूछूंगा. सो रमशा, थ्री अडोरेबल एंड थ्री अनोइंग हैबिट्स अबाउट शहरयार मुनव्वर. थ्री अडोरेबल हैबिट्स एंड थ्री अनोइंग हैबिट्स आल्सो, हां इक्वली बैलेंस्ड. अच्छा अडोरेबल हैबिट में फर्स्ट इज He loves to eat. That's adorable about Shariyar. Okay. Well, he loves that to eat. That means I'm really adorable. Like, अच्छा क्या बोलूँ फिर इसमें यार? He is. Have you played Tetris? No. Oh, he is. He's adorable. नहीं अच्छी qualities बता अच्छा अच्छी बता हाँ हाँ. Now your turn. So three habits about him that you you have to let it resume. Chale is sawal ko hum phir bhi complete kar lete. Three habits that you admire in Shariyar Munawar that you like. He's very 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 focused and also like scene mein he's wo scene banate hain baqaida. Dusri baat ye he's matlab unki creativity ka level बहुत ज़्यादा है. ही इज़ आई थिंक इज़ अ क्रिएटिव जीनियस. थर्ड ये है कि ही इज़ वेरी 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 रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी. ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय. अब तीन अनोइंग हैबिट्स. एक तो ओवर थिंकिंग है. ओवर थिंकिंग ओ या 100% ओवर थिंकिंग. दूसरा तो क्या हो गया कभी लेट आ गए सेट पे? परफेक्शनिस्ट या परफेक्शनिस्ट. ये कहाँ जहाँ पे वो इतने फोकस्ड होते हैं और मतलब सीन पे पूरा वो इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी फिर डाउनसाइड यही है कि वो परफेक्शनिस्ट हैं. और नंबर तीन ये है कि ही इज आई डोंट नो इट्स नॉट रियली एन अनोइंग हैबिट बट ही इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर. You know, कि आप जब करो तो यार ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता इसका ये हल है. It's like,
बहुत ज्ञान बांटते हैं नहीं नहीं ये कहना चाह रही है ना मैंने कहा मैं नहीं नहीं मतलब कुछ भी आप हो जैसे हर चीज का सलूशन नहीं इज अ काम कंपोज्ड मैन तो वो कभी एंड दैट्स अनोइंग टू द पॉइंट नो इट्स नॉट अनोइंग टू पॉइंट्स लाइक लेट मी बी ड्रामेटिक नाउ लेट मी व्हाई आर यू गिविंग सॉल्यूशंस अच्छा मैं भी थ्री एडोरेबल और थ्री हैबिट्स अबाउट वहाज अली दैट यू लाइक एंड थ्री अनोइंग हैबिट्स एक तो मैंने इतना कम काम इतने कम दिन का काम था तो इतना ज़्यादा तो वक्त या मौका नहीं मिला टू ऑब्जर्व मच बट अच्छी अडोरेबल आदत उनकी ये है कि ही इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड डेडिकेटेड टू हिज क्राफ्ट एंड ईजी गोइंग ये तीन बड़ी अच्छी बातें हैं अनोइंग तो नहीं कहूँगी अगेन मैं खुद भी बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ना घुस जाती हूँ एक चीज़ में तो अनोइंग नहीं होगी बट इट्स वन ऑफ हिज थिंग्स दैट ही इज़ ऑल्सो अ परफेक्शनिस्ट लाइक मी एंड छोटी छोटी चीज़ों में ओवरथिंकर यस ओवरथिंकर हैं और तीसरी नहीं नहीं ये मैंने आप ही की मैंने अपनी नहीं दी नहीं 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 ये आप ही की बात को मैंने वो दिया है कन्फाइन करके कि ओवर यू मीन ही इज़ अ बिट ऑफ एन ओवरथिंकर एज़ वेल एंड तीसरी अनोइंग बात नहीं ये दूसरी होगी ये पहली ही है ओवरथिंकर अभी आपको दो और बतानी है अच्छा वो रहते हैं थोड़े से ना कॉन्शियस के ये मैंने सही किया या नहीं किया ये मैं दोबारा कर लेता हूँ मैं ये इसको थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ वो हर आर्टिस्ट में होता है मुझ में भी इनडिसाइसिव थोड़े से इनडिसाइसिव है बट आई ऑल्सो डू दैट एज वेल एट टाइम्स कि नदीम यार ये मैं एक और बार कर लूँ मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ एंड थर्ड वन है ही नहीं अभी फिलहाल नहीं है सो परफेक्ट अच्छा आपके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली है जब भी कोई गेस्ट आते हैं और आपके बारे में कोई सवाल पूछा जाता है लाइक द पेटेंट आंसर इज दैट यू लव टू ईट या रियली व्हाट इज इट विद यू एंड बिरयानी कैन यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विद बिरयानी इट्स माय फॉरएवर लव बिरयानी एक ऐसी चीज है जो मैं कभी ना नहीं कह सकती इवन दो इफ आई एम ऑन अ डाइट और एक टाइम मुझे याद है कि लोड वेडिंग की शूट थी और फिजा ने बोला मैविश स्ट्रिक्ट डाइट हाँ हम दोनों कीटो करेंगे ये मैंने कहा या परफेक्ट तीन दिन गुजर गए कीटो करते करते और मैं ना जब तक मैं खाना सही से नहीं खाऊं इट्स लाइक कंफर्ट फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डिलीवर व्हेन आई एम जब मेरा दिल भरा हुआ घास फूस नहीं सो वकार माई मेकअप पर्सन एंड ही इज़ बिन देयर फॉर एवर फॉर मी ही न्यू कि मैं भी जो चिड़चिड़ी हो रही है या मैं भी जो एंक्शस हो रही है वो बिरयानी मंगाऊँ उसने मतलब एक मशहूर जगह से थैली वाली बिरयानी मसाले वाली वो मंगवाई और हम चुपके से हमने कमरा लॉक किया फिजा तो नहीं है आई वो मैंने ऐसे ही थैली में से चमचे से वो खाई है एंड देन आई वाज द हैप्पीएस्ट द एंटायर डे दोज आर द बेस्ट दोज आर द बेस्ट थैली वाली तो बिरयानी तो इज लाइक मेरे लिए कंफर्ट फूड डू यू कुक गुड बिरयानी एज वेल आई डोंट नो हाउ टू कुक यू डोंट नो हाउ टू कुक पीरियड या डू यू कुक आई डू समटाइम्स रेयरली अगर कोई ईद है तो कुछ बना लिया नहीं नहीं ईद पे आई डोंट लेकिन वो एक हो जाता है अचानक से मूड बनता है कि आज गर्मी में सड़ना है तो खाना बनाती हूँ तो आई डू समटाइम्स आई मेड कढ़ाई जस्ट आई थिंक टू वीक्स अगो फॉर माई फ्रेंड्स एंड आई ऑल्सो मेड आलू का वो सालन अच्छा yeah and what's the friends feedback on your kadai it was really my own feedback when I tasted it I go wow and obviously unka bhi yahi tha mujhe khud maine because I'm a foodie especially when it comes to desi khana to maine jab khaya maine kaha yaar too good ramsha eid pe is there like a special go to dish especially badi eid pe because of gosht and ghar mein hamare pulao banta hai aur bahut acha banati hai ammi सो पुलाव एंड कलेजी मैं नहीं खाती शौक से मैं सिर्फ उसका ग्रेवी थोड़ी सी खा लेती हूँ बिकॉज मुझे सेंसेस मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं स्मेल के तो मुझे बहुत जल्दी हीक और वो आ जाती है सो गो टू इज पुलाव गो टू इज एंड योर गो टू ईट डिश मैं बीफ नहीं खाती हूँ बिकॉज ऑफ द स्मेल और टेस्ट मुझे नहीं ज़्यादा पसंद तो मैं सालन ग्रेवी ही मैं खा लेती हूँ वरना मैं बट मटन ऑल्सो मटन बीफ chicken I can eat no mutton no beef hi nahi jahan pe being a punjabi a part of my heart sank nahi agar smell nahi hogi to fir main haan ye smell mujhe bhi agar mutton mein smell ho main nahi kha so qurbani ka janwar basically ha theek okay ha chalo that makes sense
अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक, बट इसेंशियली इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट, सो नो नीड टू वरी। पहले महविश आपसे शुरू करें या रमशा आपसे, आप लोग बताएं। महविश से शुरू करें। ठीक है, महविश से शुरू करते हैं। पहला सवाल, शादी करते हुए कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो कि ख्वातीन को अपने जहन में रखनी चाहिए? एक तो ये कि उनके पास अपना कोई स्किल हो, काम हो, दे नीड टू बी अकम्पलिश्ड इन देयर ओन राइट। मतलब कोडिपेंडेंसी में कोई बुराई नहीं है, बट आई थिंक आप एक अलग माइंड सेट से चलते हैं जब आपको ये पता हो कि आप रिलाई नहीं कर रहे किसी पे, आपके पास अपनी भी, यूर रिसोर्सफुल योर सेल्फ, एक ये चीज़। दूसरा ये कि ये देखना ज़रूरी है कि जो जिससे आप शादी कर रहे हैं आप उनके फैमिली को रिस्पेक्ट दो, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो भी आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझें। क्योंकि जब लड़की शादी करके जाती है उसका घर है, ससुराल है, लेकिन उस लड़के का भी तो वो ससुराल है जहाँ से वो आ रही है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्पेक्ट करता हो आपकी फैमिली को और अपनी फैमिली समझे। दूसरा ये है कि आप जब जा रहे हैं घर दूसरे, तो मेक श्योर दैट यू ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट योर ओन फैमिली। ठीक है, ऑल थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेट पर किस तरह के लोगों से आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है? जो काम को सीरियस ना ले रहे हो, प्रोफेशनली ना बिहेव कर रहे हो, और हर वक्त या तो फोन पे लगे हुए हैं या पिक्चर्स, वीडियो, सेल्फी, मतलब जिस काम के लिए आए उस पे अटेंशन होना जरूरी है, और जब नहीं होती तो दैट बॉदर्स मी। इंटरनेशनल सेट पे भी होता है ऐसे कि सेल्फी पहले जरा ले ले? यू आर नॉट इवन अलाउड सेल फोन्स ऑन द सेट। अच्छा, या सुनो दुनिया वालों ये हमारे ड्रामों की तो BTS पूरी पूरी रिलीज हो जाती है, पता लग जाता किस्तों में क्या होने लगा आगे। नहीं, वी हैड लाइक 2000 सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स जो पार्टीशन, प्री पार्टीशन वाले पूरा क्राउड था मार्वल पे, तो दे यूज टू सबमिट देयर फोन्स बिफोर चेंजिंग, एंड सबके पास एक, हाँ, इवन जो ADs होते थे उनके फोन के ऊपर और पीछे टेप्स लगे होते थे कैमरास के ऊपर फोन के, कहीं से कोई चीज भी लीक नहीं हो सकती, दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। That level of professionalism, guys. Yeah. अच्छा जी, कभी आपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बोल के अपना रोल बढ़वा लिया हो या कम करवा लिया हो, ऐसा वक्त आया कभी आप पे? कभी भी नहीं, बट मेरा हमेशा एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है विद द डायरेक्टर व्हेन आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट, और फिर फीडबैक देती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई अगर ये कैरेक्टर ऐसा कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, या इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, या मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ये तो इसको ये करना चाहिए, व्हाई इज शी डूइंग दिस। तो वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है सेट पे जाने से पहले, ये सारी पहले हो जाता है। और फिर जहाँ कुछ चेंजेस करनी होती है, आई वर्क विद नदीम, नबील, एंड ऑल दीज पीपल आर वेरी गुड विद फीडबैक। इवन मिस मार्वल में भी मैं और फवाद बैठ के जब रीडिंग सेशन होते थे हम उसमें अपना फीडबैक देते थे, एंड दे यूज टू रिस्पेक्ट दैट, एंड दे यूज टू टेक क्यूज फ्रॉम दैट एंड डू समथिंग व्हिच इज मोर यूनानिमस एंड टुगेदर। सो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डिस्कशन एंड चेंजेस। ओके, आपकी कौन सी एक आदत है आपकी अपनी जो आप चेंज करना चाहती हैं? हाँ, मेरी एक आदत ये है कि मैं एक नहीं, बहुत सारी आदतें हैं। अच्छा ठीक है, सारी बता, पांच तो बताएं मैं भी। नहीं, अच्छा तीन बताएं। यार मेरी आदत एज सच मैं थोड़ी सी ना डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ अपने रूम को समेट के रखने में, लाइक मैं अपनी I really want to be organized when it comes to keeping my room clean and अपनी चीज़ें जगह पे। Most of the time तो मैं I'm living out of suitcases, travel in, travel out, तो वो एक दो महीने गुजर जाते हैं मेरा सूटकेस बंद है, उसमें चीज़ें हैं वो निकाल के रखने हैं, चीज़ें सेट करनी है, मुझसे नहीं होता, एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू दैट। तो ये मेरी, आई वॉन्ट चेंज दिस। ठीक है, अपने बारे में कौन सा ऐसा र्यूमर या कॉन्ट्रोवर्सी आपने सुनी है जो सुन के आपकी हंसी निकल गई? बहुत सारी होती हैं ऐसी तो बहुत सारी होती हैं, बट कोई रीसेंट या कोई आपको याद आ रही हो? अभी कोई रीसेंट थी, कोई लाहौर के कोई जर्नलिस्ट थे जो स्पीच दे रहे थे कहीं पे खड़े होके, जर्नलिस्ट थे या कौन थे, और कह रहे थे कि दो लोग पैसों का बैग लेके ढूंढ रहे थे मुझे और फवाद खान को, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कहाँ हैं वो, और कराची में थे और पैसे लेके घूम रहे थे और आए नहीं, हमारे तक पहुँचे नहीं वो, क्यों ढूंढ रहे थे वो काम करना, कास्ट करने के लिए यार, क्या आपको कास्ट करने के लिए बैग चाहिए पैसों के? इसी बात पे तो हंसी आ रही थी मुझे कैश ओनली, कैश ओनली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच महविश, आपने बड़ा अच्छे जवाब दिए। रमशा आपकी टर्न। अच्छा भी, क्योंकि ईद है और ईद पे जाहिर है दोस्त आते हैं सारे, तो इंडस्ट्री के किस आप ऐसे दोस्त को बुलाना चाहेंगी दावत पे जिसे आपको पता है कि सारी गॉसिप मिल जाएगी?
ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं हूँ वो दोस्त मैं हूँ वो दोस्त और कोई भी नहीं वैसे मैं शायद जाऊँगी मैं इन्फॉर्मेशन आपके पास है इन्फॉर्मेशन सारी पक्की बात है ठीक है भाई तो रमशा को प्लीज़ आप अपनी ईद की दावतों पे बुलाएं अच्छा सोशल मीडिया का एक फ़ायदा और एक नुकसान फ़ायदा ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छा भी फील करते हैं और नुकसान ये है कि आप सोशल मीडिया ही आपको बुरा फील करा सकता है मतलब यू नो एंग्जाइटी और वो सब चीज़ें ठीक है इन एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को क्या मशवरा आप देना चाहेंगे ये आपके मैंने देखा ये मशवरे वाले लेकिन दोस्त से सारे आपके अच्छा सही कुबरा खान को कोई मशवरा दें आप कुबरा को मैं ये कहूँगी कि मैं ये मशवरा दूंगी कि स्टे द वे यू आर या नेवर चेंज ओके अब आप यमुना जैदी को भी क्या यही मशवरा देंगे मैं यमुना को क्या मशवरे की जरूरत है माशाल्लाह शी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग मैं ये कहूँगी यमुना को कि यमुना आप थोड़ा सा एक आदत मिल भी लिया करें फोन पे बातें करते रहते हैं सायरा यूसुफ को क्या मशवरा देंगे आप सायरा यूसुफ को मैं कहूंगी आई वांट टू सी मोर ऑफ हर शी इज सच आई वर्क्ड विद हर इन सिनफियाहान शी हैज एक तो एक बहुत ही मजे की वाइब है बहुत पॉजिटिव है वो एंड एक्टर अच्छी है वो तो आई वांट टू सी लाइक एंड आई वांट पीपल टू सी मोर ऑफ दैट ठीक है सज्जल अली को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप उनको क्या मशवरा देंगे यार एज फ्रेंड्स एज कॉलीग्स शी इज गुड इन एवरीथिंग माशाल्लाह से I think she stay the way you are, honestly. Stay. Yeah, ये बहुत अच्छा मशवरा है because she's got a really nice strong personality. ठीक है. अच्छा इंडस्ट्री में कौन काम कम और बातें ज़्यादा करता है? रमशा ये मैं हूँ. ठीक है. ये कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे काम जिनके साथ काम करने से तीन बार पहले सोचेंगी आप यार के? मैं क्यों बोलूंगी मैं नाम क्यों बोलूंगी इन अ गुड वे आल्सो के यार के यार बड़ा इनके साथ काम करने का बड़ा प्रेशर भी हो सकता है बड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है नहीं इन अ गुड वे आल्सो यू कैन एक्चुअली नोबडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है और देयर इज नोबडी ठीक है वेल डन रमशा रमशा और महवेश आप लोगों ने बहुत जवाब आप लोगों के लिए बहुत सीख है इन सवालों में सीख से मुझे याद आया And I would love for you guys to talk about it because mental health इतना बड़ा एक issue है हमारी society का और मैं ये देख रहा हूँ observe कर रहा हूँ because हम लोग drama review करते हैं जिस तरह का feedback अब आना शुरू हो गया है characters के actions को लेके और naturally जब वो trickle down करता है actors के ऊपर तो mental health के ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है You guys as actors yourselves and you know sometimes you play characters के जो characters के शायद actions are not making sense but वो जो एक wave of criticism आना शुरू हो जाता है A, how you deal with it and B, what advice would you give to people who are embroiled in such kind of like commentary? No one has the right कि वो आपके character के ऊपर आपकी ज़ात के ऊपर comment करे आप मेरी acting की बुराई कर सकते हैं अगर आपको मेरी पसंद नहीं आती acting, it's fine, आपको मेरी film अच्छी नहीं लगी fine, but आप मैं कैसी हूँ या मैं personal life में कैसी हूँ या मेरा किरदार कैसा है इसका किसी को कोई हक नहीं है बोलने का और जो लोग इस तरह की चीज़ करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर उनको भी इसी तरह के अल्फाज कोई बोले तो उनको कैसा लगेगा सो आई थिंक वी नीड टू बी मोर क्या कहना चाहिए हमें थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है वी नीड टू थिंक बिफोर वी स्पीक एंड थिंक बिफोर वी राइट कि इस चीज़ का सामने वाले पे क्या असर पड़ सकता है आप तो एक हैं आपने कॉमेंट कर दिया आपके जैसे ही 500 हैं जो उस एक इंसान के ऊपर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं उनकी भी फैमिली है उनके भी घर वाले हैं इंसान है इमोशंस हैं और मेंटल हेल्थ है सो अगर कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो ना कहें बिल्कुल रमशा हैव यू डेल्ट विद लाइक इंटेंस आई हैव एक्चुअली आई हैव आई थिंक एवरी एक्टर हैज एंड शी इज वेल सेड फर्स्ट ऑफ ऑल महवेश ऑनेस्टली आई एग्री एंड आई जस्ट मैं तो ये शुरू से कहती हूँ अपने एक्टर दोस्तों को भी कहती हूँ हर एक्टर को थेरेपी की ज़रूरत है हर एक्टर को यू नो लाइक इट डजेंट मैटर कि आप मतलब आप अच्छा है बुरा है फिर भी जिस किस्म के हम कैरेक्टर्स करते हैं जिस किस्म के स्केड्यूल्स होते हैं ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑन टॉप ऑफ द सोशल मीडिया की ट्रोलिंग एवरीथिंग यू इफ नॉट थेरेपी वेंट जस्ट वेंट इट आउट दैट्स व्हाट आई डू आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग कॉमेंट्स इट्स बीन अ ईयर नहीं पढ़ती कॉमेंट्स नहीं पढ़ती बिकॉज किसी ना किसी के पास कुछ नेगेटिव होता है कहने को तो जैसे आपने बोला कि यू नो वी शुड बी मोर काइंड एक्चुअली एंड वी शुड लाइक द ट्रोलिंग आई डोंट अंडरस्टैंड
आप ये देखें कि हम एक्टर्स मतलब वी आर बेसिकली एंटरटेनर्स एंड हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली हम अब आपकी कंट्री को We're making you proud. हम present कर रहे हैं। And there is a reason कि आप लोग हैं इतने popular और famous और लोग आपको follow करते हैं, आपके साथ तस्वीरें भी खिंचाना चाहते हैं। तो समझ नहीं आती कि all of a sudden then why is there so much hate also? Why? But हमेशा ये देख लें the ratio जो haters हैं उनका बड़ा छोटा सा ratio होता है और जो प्यार है वो बहुत बड़ा होता है। But intensity आपको impact उसका बहुत होता है। बिल्कुल होता है। कम भी होता है negative उसका impact। Exactly आपका मतलब आपका दिल खराब हो जाता है कि मतलब यू नो कि ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है शी इज राइट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप दे रहे हैं ठीक है दैट्स एक्टिंग पे आप दें बिल्कुल दें जो हम आपको जिस जो हम लोग कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हमारा काम है बट कैरेक्टर पे बात करना ठीक है और बात कहना कोई इस तरह के आपको नेम कॉलिंग करना एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज़ वी आर एक्ट्रेसेस इट्स लाइक व्हेन यू लव योरसेल्फ व्हेन यू आर सिक्योर विद इन योरसेल्फ Nothing can harm you. Yeah. True. The reason Absolutely. Why, yeah, I've stopped reading comments and everything. It's because, and if I do come across a negative comment, mujhe hansi aati hai because I know myself. You know, my friends know me. I value myself the most, and then I put others. You know, main apne aap ko pehle protect karti hun, and I don't let them get to me. If I read it, main hansti hun. You guys don't know. You guys don't know me. I think that's the best way to go. Never let people get to you. Yeah. Is message ke saath waqt hua chahta hai ek aur break ka. Aapne kahin nahi jana. Aap kahan jayenge, yaar? जब मैं भी शो रमशा हमारे साथ है तो आपने भी कहा जाना है विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात हम मौजूद हैं यहां पे गुब्बारों के साथ और दो हसीनाओं के साथ जो अब ये गुब्बारे फोड़ेंगी और इनमें है पांच डेज ठीक है ओके और जो जो आपको पर्ची मिलती जाएगी डेयर वाली वो आपने संभाल लेनी है और फिर आपने मुझे देनी है वो ठीक है तो हम दोनों ने पांच पांच डेयर्स रखनी है नहीं टोटल पांच डेज है इनमें अच्छा सो यू विल बोथ स्टार्ट पॉपिंग द बलून्स टुगेदर ओके और फिर आप मैंने वो जो पर्चियां मिलेंगी वो मुझे देनी है ठीक है क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा आपको हेल्प आउट करने के लिए कि जो जिसके पास पर्ची मिलेगी ना वो हम दूसरे को दे देंगे तो आपको डेयर कम करनी पड़ेगी समझे क्या मतलब मैं तो बस जो अगर आपके पास पर्चियां निकली तो वो हम महवेश को दे देंगे ताकि देर आपको ना करनी पड़े और अगर आपके पास पर्ची निकली तो हम रमशा को दे एक देंगे एक ही बात हुई ना आपको नहीं करनी पड़ेगी ना देर अगर पांचों पर्चियां आपको मिल गई लेकिन तो? क्या मैं पढ़ सकती हूँ उसमें क्या है नहीं तो फिर बट अगर पांचों पर्चियां आपको मिल गई हाँ और वो हम पांचों रमशा को दे देंगे सही है आ जा बेटा चले वन टू थ्री साथ में करते हैं साथ में करते हैं अब समझ आया आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड अब ये है चार डेयर्स जो आप करेंगी और ये है एक डेयर जो आप करेंगी अच्छा चले क्या है क्या पढ़ के बताएं प्लीज ईट गार्लिक Eat garlic. Oh, 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 oh. It's healthy. You know? garlic lae, bhai. I had to eat it in the last shows. Pani bhi la dein, please. Okay. ये कोई डेर होती है? हाँ. Point? ये कोई डेर है? मैं बढ़ता हूँ. ये रही garlic. ये रही garlic. You have to chew it. Good पानी, job. पानी, पानी 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 गुड जॉब महवेश महवेश मैं नहीं कर पाती है मैं नहीं कर पाती अच्छा ये आपकी क्या ढेर है आपके पास तो चार है माशाल्लाह जी महवेश के पास एक ही है अच्छा जी पहली ढेर अपने बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो किसी को ना मालूम मैं क्यों बताऊं ये तो है ना ढेर है अच्छा मुझे हिडन टैलेंट बता दें अपना हिडन टैलेंट नहीं बट मुझे जो है ड्रम्स सीखने का बहुत शौक था आप बजाने भी आते हैं बजाने नहीं आता मुझे एक्चुअली ड्रमर बनने का थोड़ा सा वो होता कि मुझे ड्रम्स सीखने हैं ठीक है ओके बाकी की चार आपने घुमा तो नहीं दी घुमा दी अच्छा
इंडस्ट्री में किसी से कुछ कहना है, मतलब खाने पीने का सिर्फ मेरे केस में आना था, एक्चुअली स्विच कर दिया ना हमने, आई एम सो सॉरी, वन दैट वाज योर्स, या इंडस्ट्री में किसी से कुछ कहना है जो आप कहना चाहते हैं तो कहें। हाँ जी, वो आपके सारे कह मैंने देखे। वैसे मैं यही बोलूंगी जो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ, एंड आई वुड से कि हमारे एक्टर्स मुझे हम सबको बहुत अजीज हैं, और प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड पुट योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट ऑफ कोर्स, और कुछ दिल में मत रहने दें, जो भी है टॉक टू अ फ्रेंड यू नो, और सीख थेरेपी, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे उन दादा? प्लीज मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, हमें हमसे प्यार करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें ऑन करें, हमें हमारे एक्टर्स जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है, यू नो लाइक महवेश विद फिल्म्स एंड मिस मार्वल, मतलब उनको रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू करें, इन्हें वैल्यू करें। या एंड सो मेनी ऑफ यू डू ऑलरेडी, माशाल्लाह वी हैव सच ग्रेट सपोर्ट एंड फैन फॉलोइंग, लेकिन ये उन 10% लोगों के लिए या 5% जो टॉक्सिक हैं, जस्ट बी नाइस, ठीक है, वेल डन। इंस्टाग्राम पे किसी को अभी अनफॉलो करें? आराम से। हाँ, अभी अपनी बहन को अनफॉलो करेंगी, बाद में कहेंगे फॉलो कर लेती हूँ, बिल्कुल, ओह माय गॉड, यही बोलती थी। अच्छा नहीं यार, ये भी एक बड़ा सीन है कि जब हमारे सेलिब्रिटीज किसी को फॉलो या अनफॉलो करते हैं, दैट बिकम्स अ बिग डील। या तो अब आप लोगों ने फॉलो अनफॉलो करना छोड़ दिया है लोगों को? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये तो बहुत ही कोई पेटी चीज है, बहुत पेटी मुझे लगता है अनफॉलो या फॉलो करने वाला चीज। मैं कहती हूँ कि मेरे किसी से, मैं किसी की शक्ल भी ना देखूँ, मगर मैं इंस्टाग्राम पे वो चीज़ नहीं लाऊंगी। और दूसरा, अगर सबका अपना होता है, अगर आपको नहीं किसी का कंटेंट या स्टोरी आपको नहीं समझ आता, उनको अनफॉलो कर देंगे, न्यूज़ नहीं बननी चाहिए वैसे। दिस मींस कि हमारे यहाँ कंटेंट की कितनी कमी है। एग्जैक्टली, हम इन चीज़ों पर भी हेडलाइन या बात चला रहे होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और मतलब एंड वो एक एक्टर अगर दूसरे एक्टर के पिक्चर के नीचे कमेंट कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता, आज मुझे बता दे कोई कि जब एक फीमेल एक्टर, हाउ क्यूट, या फ्रेंडशिप गोल्स, फ्रेंडशिप गोल्स नहीं कि ऑल लाइक फलाना कमेंटेड, मुझे क्या पता, एक लड़की फीमेल एक्ट्रेस मेल एक्टर के पिक्चर में कमेंट करती है वो न्यूज़ बन जाती है, जो फीमेल एक्ट्रेस दूसरी फीमेल एक्ट्रेस के पिक्चर में जो कमेंट करती है वो इतनी न्यूज़ क्यों नहीं बनती? वो भी बन रही है आजकल तो, आजकल तो हर तरह की न्यूज़ बन रही है। मेरे केस में तो हसन भाई के मेल फ्रेंड के पिक्चर पे भी कमेंट करते हो, डर लगता है ये हो जाएगा, न्यूज़ बन जाएगी। यार वैसे एक्टर्स को कितना डरा के रखा हुआ है हमारी आवाम ने यार। एंड आवाम वहां पे कमेंट्स में तो इट्स नॉट न्यूज़, व्हाई, व्हाट इज दिस, क्या करना चाह रहे हैं आप? ठीक है, बट ये है, आई मीन बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं जिन पे बात करने की जरूरत है और जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम हु अनफॉलोड और फॉलोड समवन। या 100%। ठीक है, ओके, लास्ट डेयर और डेयरिंग सवाल, डांस विदाउट म्यूजिक? ओहो, ये तो मैं नहीं करूंगी। क्यों? आई हैव डन इट ट्वाइस, इट्स अ लॉट ऑफ फन। चलें, चलो 1 2 3, नो म्यूजिक, ओके, डन। मैं भी एज एन एक्सेप्शनल डांसर योर सेल्फ, प्लीज रेट रमशा डांस 1 out of 10, प्लीज आई टीच यू, प्लीज, ओह प्लीज, ये तो नीडेड, आई नीडेड टू हियर दैट, बट यहाँ पे आप मेरी इंटेलिजेंस को भी आप थोड़ा सा करें ना, डांस के नाम पे जो मैंने ये किया। यू कांट से आई डिड नॉट डांस, हां कर तो लिया। इफ आई वर टू आस्क यू टू डांस विदाउट म्यूजिक, व्हाट वुड यू डू? She looks so good even in this. Violin खुद ही बजना शुरू हो जाते हैं, मैं भी बात करना शुरू करती हूँ। Panic आ जाता है, full spotlight वाला moment हो जाता है। Thank you for being such good sports. Please बैठे, एक और game है। ना, अब garlic तो खिला दी आपने, अब नहीं, आप क्या चाहिए? मजे की game है। So ये 5 आपके पास रहेंगे, देखना नहीं आपने, 5 आपके पास रहेंगे। It's a very simple game which is called What's on my head. रमशा, आपने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग स्किल से महविश को गेस कराना है, और महविश, आपने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग स्किल से रमशा को गेस कराना है कि ये क्या चीज़ें हैं। दीज आर सम पिक्चर्स, और पिक्चर से आपने गेस कराना है, देख के, माइम करके, बगैर कुछ कहे कि ये क्या है। ओके, 1 by 1, सो फर्स्ट यू गो। अच्छा, बकरी, छोटा बकरी का बच्चा, ओके,
नहीं साउंड निकाल सकते वरना फिर बहुत नहीं साउंड नहीं निकाले ना ये तो बात नहीं सही नहीं नहीं निकाल सकते हैं ओके ओके हट एक एक करना है बट ओके ओ वेल मुर्गा मुर्गे का अंडा मुर्गी का अंडा सॉरी मुर्गे का अंडा ओके आप करें आप एक 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 करेंगे एक एक अच्छा तो सारे होंगे ओके कुर्बानी कुर्बानी का जानवर यू कांट नो यू हैव टू बोलना कुछ नहीं ओ इशारे करने हैं यू कैन मेक साउंड बुल काउ काउ इट्स नॉट काउ यू गाइस आर सो क्विक इट वाज सपोज्ड टू बी काउज टंग खाने की चीज है मीठा स्वीट मिंटी यू कांट से एनीथिंग सॉल्ट नमक नमक इज मिंटी सुपारी सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं देखिए थोड़ा तो बोलने दे नहीं नहीं आपने गेस करा दी ना आपके बारे हम कैसे जीतेंगे वरना थोड़ा तो बोलने दे ओके ऑडियंस बैंड गुड 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 ओके दिस इज सो यू हैव दोस आईज You have those eyes. Badami, badam. These guys don't. They don't. They look like they bark, but they you don't. You can't talk. Oh, how am I supposed to tell her? With your actions, you're an actor. People have Chinese, Korean. Korean? Chinese? Okay. अच्छा, it's dumb shit कितना खेले हम लोग ऐसे काम काम करते हैं. हाँ, तो dumb shit. Is it an eyeliner? One word. बहुत चलाक होते हैं ये बहुत चलाक होते हैं ये लोग ये चीज ये लोग ये जानवर ये बहुत चलाक होते हैं यस यार ये क्या सर सब आप लोग ये खेल रहे हैं एप्पल बट फ्रॉम इनसाइड इट्स यूजुअली पिंक और व्हाइट And she's still not able Watermelon? To guess. No, they're smaller. Amrood? Yes! Maine bola pear. Amrood. Pear is amrood, na? No. No, no, no. Oh, guava nice. Is amrood. Guava. Ab aapne kuch kehna nahi hai, ye aasan hai. Khana? Banana? Khane ki cheez hai. Hari mirchi. कोई मसाला है कोई डिश है डिश है सॉर्ट ऑफ डिश है या लेडी फिंगर क्या है वही है ना तो मैं सोच रही हूँ हाँ अच्छा लेडी फिंगर नो कुछ तो एक बोल दो एक वर्ड अच्छा ओके ओके मीट 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 चॉप्स नो 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 फिर पाकिस्तान में तो हम हाँ मीट में होता है अच्छा कबाब कबाब ओ रो सीख कबाब यस वेरी गुड वेरी गुड तो आप इनके आप आपने सीखे क्यों नहीं लगाई तो मैं ये सीखे लगाए ना आप सीखे लगाती सीखों से उतारती हैं देखें यार मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ मैंने कभी सीख लगाया हमने ये सीख से ये कबाब उतारा मैं आपको एक बात बताऊँ मैंने कभी ये देखा नहीं है आपने तो बता दिया ना आप तो खाती नहीं है ना मटन ना बीफ चिकन के सीख कबाब तो सीख कबाब होते नहीं एनीवे बोले बगैर एक वर्ड बनता है एक वर्ड नहीं 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 बोले बगैर ओके Something that you sit on. You can't talk. Something that you sit on.
It has four legs. Chair. Chair. You find it in villages. In? Villages. Charpai. Yeah, मुझे प्यास है. एक सेकंड रुक. इस गेम का क्या फायदा और क्या मजा? नहीं यही तो है. मतलब इतनी अच्छी दोस्ती आप दोनों की चल रही है. चारपाई का क्या एक्टिंग करूं मैं? एग्जैक्टली. चारपाई की क्या एक्टिंग करूं मैं? अगर मुझे पता होता तो मैं एक्टर होता. मैं महविश याद होता फिर. अच्छा देखिए ये देखिए एकदम मैं फिर लोग मेरे बारे में कह रहे होते कि एड्डा तू महविश याद. नहीं हम लोग वो कौन सी थी गेम जिसमें डम चरेट्स? नहीं नहीं उसके अलावा एक और भी है जिसमें आप वो गेस द वो फोन रखे या नहीं वो ये होता है कि यू आप बात कर सकते हैं मतलब वो वर्ड नहीं बोल सकते ना तो एक रह गया अब क्या फायदा अब तो जो होना था वो हो गया. अच्छा ओए होए 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 मैं भी ओके ये आपने वैसे गेस कराया ओके अब एनिमल तो बोल सकते हैं एनिमल. अच्छा सही है बट अच्छा हाँ ठीक है ये आपने बोल दिया एनिमल बस एनिमल तक बता सकते हैं आपको. Dinosaur? Yeah. Oh, nice. Hey, very good. Well done, Ramsha and Mevish. Thank you so much for bringing such wonderful energy to my show. Wo bhi Eid ke upar. Ab waqt hua chahta hai. Unfortunately, ijazat lene ka. Lekin isse pehle ki hum sab apne apne gharon ko jaye, aisa kaise ho sakta hai ki Mevish Hayat yahan pe ho aur hum unse gaana na sunen? Bilkul. Dance ho gaya. तो महविश आपकी मधुर आवाज में क्यों ना एक गाना भी हो जाए बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे मैं बीच में बैठ के उसको गाने को एंजॉय करूं. कौन सा गाना? मेरा ये फॉर द रिकॉर्ड ये तस्वीर और इमेज भी आ जाए ना कि मैं महविश और रमशा के बीच में मैंने अपनी ईद सेलिब्रेट की. यस कौन सा गाऊं अब जो आपको अच्छा लगे रोमांटिक सा कोई. चलो ये गा लेती हूं. हां मुझे डेडिकेट भी करते हैं. तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान. तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान. सामने तू बैठा रवे हर वेले में तकदीरवा. तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान. दो लाइनें रमशा. नहीं नहीं मैं थोड़ी आप मजा ही आप मतलब आप गाएं अब. नहीं आप चेक करें माशाल्लाह शी इज एन ऑलराउंडर. Not just a good actor, not just a good dancer, also such a beautiful voice Thank you have. You. It's something you cannot do. Just my jeans. It's my jeans. And on top of everything, gorgeous. Oh, yeah. Hot. Beautiful. Beautiful. Stop it, guys. You guys made my eat, by the way. Thank you. जी हसन आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि thank you. मेरी आवाज तो माइक के बगैर ही माशाल्लाह इतनी ऊंची है मेरे घर तक पहुंच जाती है. दो दो माइक लग गए तो लोग बेचारे क्या करेंगे. But thank you so much, Mevish. Thank you so much, रमशा. आप लोग हमारे मेरी शो पे आए हमारे शो पे आए आपने हमारी ईद को तो चार चांद लगाए. बट आई होप जो लोग घर पे ये शो देख रहे थे उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया होगा. तेरी मेरी कहानियाँ आ रही है एक फिल्म जिसमें आप तीन कहानियाँ देखेंगे. उसमें महविश भी हैं उसमें रमशा भी हैं और इन दोनों के साथ साथ देज वहाज अली देज शरियार मुनवर देज मानी देज हिरा. तो ये फिल्म आप ज़रूर देखें और हमें बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और जाने से पहले अगर कोई मैसेज आप अपने फैंस तक ईद की मुनासबत से क्योंकि हमने सीरियस टॉक बड़ी कर ली है बट ईद की मुनासबत से कोई मैसेज अगर आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहें तो ऑल द कैमरास आर योर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट द ईयर्स. आप लोगों की वजह से हम हैं और आप लोगों के लिए ही हम काम करते हैं. सो अच्छा लगता है जब हमें जेन्युइन अच्छा फीडबैक मिलता है तो और आपका प्यार मिलता है. सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I love you all and हर ईद उल अज़हा की तरह इस ईद उल अज़हा पे भी मेरी एक फिल्म हमारी फिल्म आ रही है तेरी मेरी कहानियाँ और वो एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए. तो ज़रूर जाकर देखिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और खाना पीना तो चलता रहता है ईद पे लेकिन फिल्म भी ज़रूर जाकर देखिए क्योंकि इट्स अ पैसा वसूल एंड ईद मुबारक टू ऑल. सो पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक एंड इस ईद में आप सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ. हमारी फिल्म ज़रूर देखें तेरी मेरी कहानियाँ.
जैसे कि महेश ने कहा पैसा वसूल तो डेफिनेटली है, मुझे बिल्कुल यकीन है 100% यकीन है कि आपको अच्छी लगेगी. क्यों? क्योंकि तीन एक फिल्म में तीन फिल्में मजे. यस. दूसरा तो ये कि एक और चीज इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आप यू नो थोड़ा सा अब हमारे स्ट्रे जो एनिमल्स हैं उनका भी ख्याल रखें. एक तो और राह चलते हुए मतलब किसी पानी रख दिया करें अपने बालकनी में या खिड़की में फॉर द बर्ड्स एंड एवरीथिंग. और जानवरों का भी ख्याल रखा करें, बहुत मासूम चीज़ होती है. Yeah, on that note, again, once again, thank you so much, Mahvish. Thank you, Ramsha. It was a pleasure chatting with you. Wish you all the best for this film, Teri Meri Kahaniya, and all your upcoming projects. Jate jate, Teri Meri Kahaniya ka thoda sa, chota sa, ek aur gana aapke peshi khidmat hai. Aap logon ka bhi bahut shukriya. Umeed karte hain aap apni Eid ko enjoy kar rahe honge. Isi tarah enjoy karte rahe. Talk Talk Show ko dekhte rahe. Abhi Eid baki hai aur Talk Talk Show ki episodes bhi baki hai. See you really soon, inshallah. Music. बताया नहीं.